तो गाइस जब से एंड्रॉयड 13 का अपडेट हमारे फोन्स में देखने के लिए मिला है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आप लोगों में से जितने भी सारे लोगों ने एंड्रॉयड 13 बेस्ड फोन को परचेस किया है और आप लोग अपने फोन से ही अपने डेवलपमेंट बोर्ड को प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आप लोगों को आर्डिनो ड्रॉयड डाउनलोड करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पर आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी पर्सनली भी बात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके फ़ोन में इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है कि वो अपने फ़ोन के अंदर आर्डिनो ड्रॉयड को इंस्टॉल कर सकें। तो ये प्रॉब्लम हमें एंड्रॉयड 13 आने के बाद देखने के लिए मिला है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी का सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने फ़ोन के अंदर आर्डिनो ड्रॉयड को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, यह है गाइस मेरा सैमसंग का गैलेक्सी नोट 10 लाइट। अभी मैं आप लोगों को इसके एंड्रॉयड वर्जन को दिखाता हूँ यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस फोन के अंदर भी एंड्रॉयड 13 रन हो रहा है, जिसकी वजह से इस फोन में भी आर्डिनो ड्रॉयड डाउनलोड करने का ऑप्शन हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग जब भी आर्डिनो ड्रॉयड को सर्च करते हैं तो इसका ऑप्शन हमें क्या देखने के लिए मिलता है। जैसे ही मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हैं, लुकिंग फॉर आर्डिनो ड्रॉयड, दिस ऐप इज नॉट अवेलेबल फॉर योर डिवाइस बिकॉज इट वॉज मेड फॉर एन ओल्डर वर्जन ऑफ एंड्रॉयड। इसका सिंपल सा मतलब यही है गाइस कि ये जो आर्डिनो ड्रॉयड है इसको इसके डेवलपर ने एंड्रॉयड 12 तक के लिए ही ऑप्टिमाइज़ किया है, एंड्रॉयड 13 के लिए इसके डेवलपर ने इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। अब गाइस मेन मुद्दे की बात करते हैं, आखिर आप लोग अपने एंड्रॉयड 13 वाले फोन्स के अंदर इस आर्डिनो ड्रॉयड को कैसे चला सकते हैं, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अब चलिए मैं आप लोगों को आर्डिनो ड्रॉयड को इस फोन के अंदर रन करके दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैंने अपने इस फोन के अंदर आर्डिनो ड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। अभी मैं आप लोगों को उस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट करके इसको सेटअप कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको अलाउ कर देता हूँ। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वही सेम एप्लीकेशन मेरे फ़ोन के अंदर खुल चुका है। यहाँ पर वो सारे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, स्केच का है, फाइल, एडिट, एक्शन, सेटिंग्स, लाइब्रेरी, मिस्क एंड हेल्प। किसी स्केच को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्जांपल है, वो सारा कुछ आप लोगों को सेम देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर आगे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। अगर आप लोग इसको अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आकर आप लोग वहाँ से मुझे इसके डाउनलोड के लिंक के लिए आप लोग पूछ सकते हैं। अब आप लोगों में से काफी सारे लोग बोलेंगे कि यार ये तो अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए ऐसे कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग मुझे फॉलो कीजिए या फिर नहीं कीजिए, लेकिन अगर आप लोग एंड्रॉयड 13 वाले फोन्स के अंदर या फिर किसी भी फोन में इसमें आप लोगों का आर्डिनो ड्रॉयड काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर आकर आप लोग मुझसे वहां से इसको डाउनलोड करने का लिंक मांग सकते हैं। मैं आप लोगों को वहां पर लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो इसके अंदर जो कुछ प्रीमियम फीचर्स है वो भी अनलॉक इसके अंदर हो जाता है। जैसे कि इसके अंदर जो इसका थीम हम लोगों को चेंज करना है, तो सेटिंग के अंदर जाएंगे हम लोग, और ऐप सेटिंग के अंदर जाने के बाद आप लोग यहाँ से इसके थीम को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो अब इसका थीम जो है वाइट हो गया है। तो इसी तरीके से आप लोग इसके प्रीमियम फीचर्स को भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, जब तक कि डेवलपर जो है एंड्रॉयड 13 के लिए प्ले स्टोर पर इसको ऑप्टिमाइज नहीं कर देते हैं। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर गाइज आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।